आप जाके देखिए, आप नायर साहब के घर के सामने से निकल के देखिए, उदय भांजी के घर के सामने से निकल के देखिए, नाम ले रही है विधायक है आजकल, हाँ जी हाँ जी, तो उनके घरों के सामने की सड़कें आपको ऐसे मिलेंगी जैसे चंडीगढ़ के रोड, दोनों तरफ से साफ सुथरे जो है नालियां ढकी हुई, चौड़ी चौड़ी सड़कें और लाइट्स लगी हुई, अपना विकास खूब किया, अपना विकास उन्होंने खूब किया है, लेकिन जो है पूरा हल्का जो है गड्ढे में डाल रखा है, उसको पूरा नर्क बना रखा है। आजकल जो राजनीति है इसके अंदर सबसे पहली लड़ाई होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है टिकट की। देखिए ऐसा है, जनता ही मेरी टिकट है और जैसे जो हमारे जनता का आदेश होगा उसके हिसाब से जो है निर्णय लिया जाएगा। जब हम बात करते हैं अपने विधानसभा की कोडल क्षेत्र की, तो कबीर जी का एक दोहा याद आता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना हुए। तो ये वो दो पाट हैं और ये जनता बहुत अच्छे से जो है समझ चुकी है। हरियाणा में इस समय राजनीतिक थर्मामीटर 104 से भी पार जा रहा है, यानी कि जो चुनावी पारा है वो मौसम के हिसाब से रंग बदल रहा है। रोज आपको राजनीतिक गतिविधियों में कुछ नया मिलेगा और हम भी आपके साथ लगातार प्रयास करते हैं कि नए नए शख्सियत के साथ, नए नए लोगों के साथ आपको जुड़वाते रहें। आज स्टूडियो में हम जिनसे आपको मिलवाएंगे ये हैं नवीन रोहिला, डॉक्टर नवीन रोहिला, और मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी भी है किरण शर्मा। मैं पहले आपको बताता चलूँ डॉक्टर नवीन रोहिला के बारे में, राजनीति के अंदर जो खासकर ब्रिज का एरिया है, पलवल जिला है, उनके लिए डॉक्टर नवीन रोहिला नया नाम नहीं है। डॉक्टर नवीन रोहिला शिक्षाविद थीं, शिक्षाविद रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम किए। अगर मैं उनकी सर्विस की बात करूं, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से मिंडकोला से, यानी कि हथीन क्षेत्र में मिंडकोला आता है, वहाँ से इन्होंने VRS लिया 2019 में। VRS लेकर के राजनीति में सक्रिय हुई, 2019 के चुनाव में ट्राई किया कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला तो क्विट कर लिया। राजनीति से क्विट नहीं किया, ना समाज सेवा से क्विट किया, क्विट किया सिर्फ चुनाव से। 2019 का चुनाव चला गया, 2023 के अंदर, यानी कि 2022 में था वो, 2022 के अंत में नगर परिषद का चुनाव हुआ तो पलवल नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ा। अब 2024 है और विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं डॉक्टर नवीन रोहिला। किरण, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और खासकर जब महिलाएं राजनीति में अपना कदम बढ़ाती हैं तो दूसरी महिलाओं की, जिनकी आवाज दबी है और जो समाज में कुछ नया करना चाहती हैं, उन महिलाओं को भी हिम्मत मिलती है। राजनीति में हर जनता को हर एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत होती है जो शिक्षित भी हो और जागरूक भी। आज जिस सदस्य से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, इस खास पेशकश में हमारे साथ नवीन रोहिला, डॉक्टर नवीन रोहिला मौजूद हैं और वे शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं और युवाओं के और महिलाओं के मुद्दों को लेकर बहुत भलीभांति समझती हैं। लगातार जनता से इनका जनसंपर्क बना रहता है, जमीनी स्तर पर लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको लेकर बहुत जागरूक रहती हैं और समय समय पर हर किसी के साथ आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। इस समय वो होडल विधानसभा से अपनी उम्मीदवार बनना चाहती हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं हल करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्या तैयारी है, पहले आपसे शुरू करते हैं फिर हम अपने सवालों का सिलसिला जारी करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं देश रोजाना की जो समस्त टीम है सबको नमस्कार जी। सब जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, होडल विधानसभा से हम जो है तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार जो है हम 2019 में जैसे हमने शुरुआत करी थी अपने राजनीतिक कैरियर की, लेकिन हम एक दिन भी खाली नहीं बैठे, चाहे हमें टिकट मिली या नहीं मिली, लेकिन लगातार जनसंपर्क में रहे जी, लगातार लोगों से हम लोग मिलते रहे, उनके से बातें करते रहे, किन परिस्थितियों में वो जीवन जी रहे हैं इसके बारे में हम जो है सुनते रहे और जो हम उनकी मदद कर सकते थे हम करते रहे हैं जी। तो मैं तो ये कहूँगी कि जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी है उसका दायित्व क्या है कि जनता के मुद्दे उठाना, किन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, उनको हम कैसे जो है एक तरीके से सरकार की भी नॉलेज में लेके आना और जो है एक मध्यस्थता कायम करना कि हम उनको जो है सरकार की कई पॉलिसीज हैं जो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, कैसे हम उनको पहुंचा सकते हैं, उन तक जो है जनता को जागरूक करना, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और कैसे वो अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं उस बारे में भी जो है हम
टाइम टू टाइम डिस्कस करना। तो हम लगातार ही इस क्षेत्र में जो है हम कार्य करते रहे हैं और आज भी हम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर नवीन ने बताया कि 2019 में टिकट नहीं मिला तो सक्रिय थी। वाकई आज एक समय था जब राजनीति को कहा जाता था कि राजनीति फॉर द टाइम है, यानी कि एक समय आएगा लोगों के बीच जाएंगे, फिर वो 5 साल निकल जाएंगे, फिर लोगों के बीच जाएंगे। आज वो समय बदल चुका है। आज पॉलिटिक्स के अंदर भी ये है कि राजनीति को समाज सेवा का बड़ा माध्यम माना जाता है। अगर आप फुल टाइमर हैं, आप 5 साल 24 घंटे 365 दिन अगर लोगों की आप सेवा में रह सकते हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि इनकी तरफ देखा जाए। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे मुझे अभी कि लगातार जो सोशल वर्क्स, इसके अलावा जो सामाजिक कार्यक्रम, सरकार की पॉलिसीज, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कोई एक शिक्षित और कोई एनर्जेटिक अगर शख्सियत होगी, कोई कैंडिडेट होगा, तो वो लोगों को अवेलेबल भी ज्यादा रहेगा और लोगों के पास में वो सारी फैसिलिटीज बड़े आराम से पहुंचा पाएगा। तो आपके पास इसके लिए क्या प्लानिंग्स, अगर खासकर मैं कहूँ? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हम जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो जो है, जो जनता है, वो हर गांव में, चाहे वो शहर है, गांव है, हर जगह त्रस्त है बिजली की समस्या से, पानी की समस्या से, जो है एक तो साफ सफाई की समस्या से बहुत प्रभावित है। इसके अलावा जो है रोजगार की एक युवाओं के लिए बड़ी जो है परेशानी बनी हुई है। अगर हम बात करें अपने होडल विधानसभा की, तो आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छा, कोई ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना कोई अच्छा विश्वविद्यालय है महिलाओं के लिए, कोई जो है अलग से कोई कॉलेज, सरकारी कॉलेज नहीं है। देखिए, जब हम और तो और जैसे कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ हैं वो भी अब उपलब्ध नहीं है। बातें जोड़ता रहूँगा साथ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझे कहा कि होटल में मेडिकल कॉलेज नहीं है। हाँ जी। और गर्ल्स कॉलेज नहीं है। हाँ, आपके होटल का शायद एक गर्ल कॉलेज, मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, सरकार में पास हुआ था। तो वो उसकी स्कीम अगर आपको बताओ तो कहाँ तक फाइल पहुँची? नहीं, उसका कहीं कोई जो है ग्राउंड पे कोई जो है अभी तक कोई उसका कोई लेआउट नहीं है। मेडिकल कॉलेज आपने कहा? मेडिकल कॉलेज का भी नहीं है। आपका तो अस्पताल ही काम नहीं कर रहा, तो मेडिकल कॉलेज कहाँ दें आप? मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि जो है अगर जो है गली में कुत्ता अगर किसी बच्चे को काट ले या किसी भी इंसान को काट ले तो उसका भी इलाज अवेलेबल नहीं है, उसके भी इंजेक्शन नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, देखिए, जब हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जब अपने एरिया में हम लेके आते हैं, सपोज कि अगर हम जो है कोई एक अच्छा विश्वविद्यालय, अच्छा हम जो है कॉलेज ही अगर बनाते हैं, तो देखिए उसमें भी हमारे को जो वहाँ के जो लोग हैं, रोजगार के साधन उसमें उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें जो है कुछ हमारे को स्टाफ भी चाहिए होता है, कुछ अपर कैटेगरी का भी चाहिए होता है, टीचिंग स्टाफ भी चाहिए होता है, कोई क्लर्क भी चाहिए होता है, कोई प्यून भी चाहिए होता है, कोई कैंटीन चलाने वाले भी चाहिए होते हैं, तो स्टाफ हमें बहुत चाहिए होता है, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने बताया कि बिजली की समस्या है, तो हमारे जो है हम जगह जगह सौर ऊर्जा केंद्र जो है अपने गांवों में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हर इंसान जो है अपने घर में नहीं लगा सकता सोलर प्लेट, तो हम जो है सरकारी जो हमारी पंचायती ज़मीनें हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं, गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग देती है, तो वहाँ पर बड़े सोलर प्लांट्स जो है लगाए जा सकते हैं और जो है सस्ती बिजली गाँवों को दी जा सकती है। तो एजुकेशन, तो इससे जो है हमारे सरकार बल्कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देती है। तो अब क्या हो क्या रहा है कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि अभी तक जो बनते चले आए हैं, जो हमारे चाहे वो हमारे विधायक पद पे रहे हैं, चाहे वो हमारे नीचे रहे हैं, तो उनके पास ऐसा कोई विजन ही नहीं है उस पर काम करने के लिए। अगर जो है जैसे कि अभी बताया कि होडल जो है एक ब्रिज भूमि है, ठीक है, जगह जगह हम वहाँ पे गौशाला बनी है, लेकिन वो गौशाला अगर आधुनिक गौशाला बने, आधुनिक गौशाला का मतलब क्या है कि आप गौओं की रक्षा तो कर रहे हैं, गौ तो उसमें रख रहे हैं, नंदियों को भी रखिए, बछड़ों को भी रखिए, अलग अलग पार्टीशन में रखिए और एक बड़ा चैम्बर बनाइए कि जिसमें जो है सारा जो अपना जो गोबर है उसको इकट्ठा करें और जो है वहाँ से जिसे कहते हैं ना नेचुरल फर्टिलाइजर भी बनाएं और जो है जो उससे जो गैस निकलती है मीथेन उसको भी एक चैम्बर में इकट्ठा करें। गोबर गैस प्लांट्स जो है आप जो है नहीं तो ये सिलेंडर ही आप भर के दे सकते हैं सस्ते दामों पर जो है। इसमें भी जितनी मैन पावर लगेगी उसका भी इवन जो है उसका खर्चा पानी और जो है वो भी सारा जो है इसी से
जो गौशाला है, आधुनिक गौशाला है, उससे आप निकलेगा, चाहे वो हमारा दूध के माध्यम से निकले जगह है, कि चाहे जो है आप सिलेंडर भर के दे रहे हैं उससे, चाहे वो हमारा नेचुरल जो फर्टिलाइजर उसके बाद तैयार होगा उससे निकले, और जो जो हमारा बढ़ता हुआ जो कैंसर है, जो का रोग जो उस एरिया में फैल रहा है, उससे भी निजात मिलेगी। और मैं आपको बताऊँ संजय जी कि हमारे होडल में हमने देखा है कि यमुना के साथ जो लगते हुए जो गांव हैं वो उनमें हर साल बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ में डूब जाते हैं, और उससे 10 किलोमीटर दूर पे किसान हमारे जो है सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे होते हैं। वो पानी भी जो है हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि किसानों को पानी मिले, लेकिन इस तरफ किसी की कोई सोच ही नहीं है। तो ये एक अच्छी सोच, पहले तो जो है मैं कहूँगी एक अच्छी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है, एक विजन का होना जरूरी है। यहाँ पे इंसान का एक अच्छा विजन और विचारधारा, उसमें उसकी जो है पढ़ाई लिखाई की और उसकी भूमिका, उसके पीछे क्या एक्सपोजर रहा है, इस चीज़ का बड़ा रोल है। और मैं अगर मैं बात करूँ अपने होडल विधानसभा की, यहाँ पे तो जो हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक चुन के आते रहे उनके पास ऐसा कोई विजन ही नहीं रहा। देखो कहते हैं ना कि आप जाके देखिए, आप नायर साहब के घर के सामने से निकल के देखिए, उदय भांजी के घर के सामने से निकल के देखिए, नाम ले रही है विधायक है आजकल, हाँ जी हाँ जी, तो उनके घरों के सामने की सड़कें आपको ऐसे मिलेंगी जैसे चंडीगढ़ के रोड, दोनों तरफ से साफ सुथरे जो है नालियां ढकी हुई, चौड़ी चौड़ी सड़कें और लाइट्स लगी हुई, अपना विकास खूब किया है, अपना विकास उन्होंने खूब किया है, लेकिन जो है पूरा हलका जो है गड्ढे में डाल रखा है, उसको पूरा नर्क बना रखा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, विजन मतलब देखिए मैं कहूंगी कि सिर्फ मैं या मेरे बच्चे परिवार नहीं है, जब आपको जन प्रतिनिधि चुन लिया उस क्षेत्र का, जितनी जनता रह रही है वो पूरा आपका परिवार है, तो उसके पूरे परिवार के लिए काम कीजिए आप, जो है उसके उत्थान के बारे में सोचिए किस तरीके से जो है हम उनके जो है लिए काम कर सकते हैं, हम उनको सुविधाएं जो है हम कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर आपके घर तक पहुंच रही है तो बट नेचुरल है कि वो आम पब्लिक तक भी पहुंचाई जा सकती है। आप एक महिला हैं, वो वाले क्वेश्चन तो किरण पाएंगी, बट आपने 4-5 पॉइंट्स रखे हैं। हाँ जी हाँ जी, एक रखा आपने गौशालाओं का। हाँ जी हाँ जी, हमारे हरियाणा के अंदर खासकर कोई भी गौशाला सरकारी नहीं है, सभी संस्थाएं चला रही हैं। आपके होटल में अगर मैं देखता हूं तो उसके अंदर खामी में बड़ी गौशाला है, सोन में बड़ी गौशाला है, औरंगाबाद में बड़ी गौशाला है, इसके साथ साथ साध्वी चित्रलेखा एक शायद गौशाला चलाती है, वहां पर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी है उनका एक। इतने सब में होने के बाद अच्छा, इनके लिए सरकार की पॉलिसी है, उनको जो फंडिंग्स दी जाती है गौशाला के लिए गाय के हिसाब से, क्या आप मानते हैं कि वाकई बड़ी समस्या आया? आपने बोला गाय नंदी और बछड़े जो उनके लिए अलग चैम्बर हों, एक आपने बताया कि जो चाहे वो गौमूत्र है चाहे वो गोबर है इन सब का अगर इस्तेमाल हो, क्या वाकई ये इच्छा शक्ति की कमी है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी है, ये सारी चीजें जो है की जा सकती हैं। अभी जो गौशाला चल रही है मैं उनको आधुनिक गौशाला नहीं मान सकती जी। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको कि हम जो है बहुत अच्छे से जो है साइंटिफिक वे से भी जो है और अदरवाइज हम जो है बचपन से पढ़ते भी आए हैं कि गौ का तो एक एक चीज जो है ना वो उपयोगी है, एक एक चीज, तो हम उसका कहाँ उपयोग कर पा रहे हैं? नंदी हमारे सड़कों पे जो है धक्के खाते घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हुए घूम रहे हैं, तो हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो और जो है जिनका कि हम कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं है कि जो है हम गोबर तो एटलीस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके जो है हम उपले थाप के जो है जलाने के काम है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे, तो हम उन चीज़ों को बढ़ावा दें। एक जो है एक विजन होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि सोलर पैनल है, मैं आ रहा हूं उस पर अभी। हाँ मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर नवीन रोहिला, मैं दोनों क्वेश्चन जोड़ूंगा, एजुकेशनिस्ट खुद है या शिक्षाविद है, शिक्षा वाले सवाल बाद में आऊंगा। इनके पति हैं जो वो सेवानिवृत्त अभी हाल ही में हुए हैं हरियाणा बिजली विभाग से, बिजली विभाग में वो चीफ इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए हैं, तो एक तो उनका भी सहयोग मिल जाएगा आपको। सोलर एनर्जी प्रधानमंत्री मोदी का भी एक विजन है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले जो सोलर एनर्जी प्लांट जो लगा था जिसे पूर्णतः गांव में लगाया गया था पंचायती जमीन पे, और पूरा गांव का लोड जो है उस सोलर सिस्टम से जो है जोड़ा गया था, वो गुजरात के ही गांव से शुरू किया गया था, शुरुआत जो है मोदी जी के गांव से ही, वहीं से उनके एरिया से ही हुई थी,
और देखिए परमात्मा तो एक रुपया बिजली का नहीं लेता। जो अभी हमारी जो बिजली चल रही है वो या तो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी है या फिर वो कोल एनर्जी से जो चलती है, और वो हमारे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी खत्म भी होंगे। लेकिन परमात्मा को तो हम एक रुपया नहीं चार्ज देते जो इतनी तेज धूप निकलती है उसका। हमने तो सिर्फ जो है अपनी प्लेट्स जो है चार्ज करनी है, तो वो कंपैरेटिवली जो है एक सस्ती बिजली और जो है हम दे पाएंगे अपने क्षेत्रवासियों को। तो ये एक जागरूकता है आगे आने वाले समय में, अब जो है हमें बहुत इस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हमें बहुत देश की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए इन चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो सारे जो है रिसोर्सेज एक टाइम तो खत्म होने ही है, तब आप क्या करेंगे। जी जी, शिक्षा पे आपने पहले ही बता दिया कि अगर अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जो रोजगार की पहली सीढ़ी है वो शिक्षा है। देखिए अभी जैसे मैं सोलर प्लांट की भी अगर मैं बात कर रही हूँ, इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको मैन पावर चाहिए, घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, नेटवर्क खड़ा करने के लिए, फिर फर्दर उसकी मेंटेनेंस के लिए पावर जो है मैन पावर चाहिए। तो ये सारी चीजें रोजगार के साधन उत्पन्न करती है, रोजगार के अवसर युवाओं को देती है। तो सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसा मतलब कि सारी चीज़ डाल देना कि भाई सरकार हमें नौकरी दे, सरकार ये नहीं, कुछ तो हमारा अपना भी विजन होना चाहिए, काम करने की नियत होनी चाहिए। सरकार जो है बैठी हुई है अप्रूवल देने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, कोई प्रोजेक्ट्स लाने वाला तो बने। इन जन प्रतिनिधियों के पास अपना कोई विजन तो हो, ऐसा कोई जो है प्रोजेक्ट जो लेके आए अपने एरिया में, इनके पास लेकिन अभी तक कोई विजन ही नहीं है। चलिए मैं इन पे बाद में आता हूँ पॉलिटिशियन वाले सवाल पर। तो एक सवाल किरण की तरफ से आपके पास, आपने कई तरह के पॉइंट्स रखे कि क्या क्या वहाँ पे परेशानी है, क्या लग रहा है कि ये जो आपने सोलर एनर्जी के बारे में बताया, आज पूरा देश, गांव क्यों शहर, पूरे देश में कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को लेकर बहुत जागरूकता है कि हाँ लगाना चाहिए, बहुत फायदा है, क्या लग रहा है कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि सत्ता में आने के बाद तो जनता के लिए आते हैं और आपने बताया कि जनता ही दुखी है, जिसके लिए सिर्फ नियत में है, और दूसरी कमी हमारी जनता की जागरूकता में है। जो जन प्रतिनिधि हैं उनकी नियत में कमी है और जनता जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के लिए, और इस तरीके के लिए जनता एकजुट हो जाए और जन प्रतिनिधि का विजन अगर क्लियर हो तो जो है बिल्कुल जो है सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और काम होगा। और हमारे तो क्षेत्र जो है ब्रिज भूमि है, इसको तो एक बढ़िया जिसे हम कहते हैं ना, और 84 कोस की परिक्रमा में आता है, एक अच्छा जो है हम टूरिज्म यहाँ पे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 15 किलोमीटर दूर यहाँ से जेवर एयरपोर्ट है जो स्टार्ट होने वाला है, हार्डली 60 किलोमीटर दिल्ली से डिस्टेंस है, हाईवे से कनेक्टिविटी है, सिमिलरली इतना ही डिस्टेंस जो है गुड़गांव से है, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ और बहुत अच्छे जो है यहाँ पे होटल क्षेत्र में डेवलपमेंट के चांसेस है कि A1 सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है, इंटरनेशनल टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो सो रहे हैं, सोते रहे हैं। आपने शिक्षा की बात की, आपने बताया कि महिलाएं और बच्चियां जो है वह स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की कमी है, काफी समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में रही है, क्या लग रहा है इतने टाइम से जो महिलाएं, आजकल तो पूरे देश में बेटी को पढ़ाने की मुहिम चल रही है आगे बढ़ने की, तो होडल में अब तक वो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? और अगर वहाँ पे जो लड़कियां हैं पढ़ने तो जाती होंगी, कितनी दूरी पर जाती हैं अगर आसपास कहीं नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं वहाँ पे? देखिए इसमें जो है मैं कहूँगी कि जैसे कि हमारा वहाँ का जो कहूँगी कि जो पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा हम ये कहेंगे कि फाइनेंशियली जो है एम्पावर्ड नहीं है जी। तो बहुत जो है वहाँ पे जो है हैंड टू माउथ लोग जो है काफ़ी हैं और उनको सरकारी स्कूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो थोड़ा सा कहीं हम जो है कमी देख पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं लेकिन उनमें क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। तो बेटियां हमारी आ रही हैं लेकिन कुछ तो हमारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं, 10वीं या 12वीं करने के बाद जो है 80% लड़कियां जो है घरों में जो है बैठ जाती हैं और वो नहीं आ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर फर्दर एजुकेशन के लिए उनको जाना पड़ता है फरीदाबाद, पलवल, तो सभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को। अभी मैंने बताया कि वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह जो है इस तरीके के बढ़िया कॉलेज जो है हमारे यहाँ पे एरिया में नहीं है, तो ये सब दिखते हैं वहाँ पे। और मैं ये कहूँगी कि अगर जो है किसी के एरिया में, क्योंकि मैंने तो जो है ऐसे भी सरकारी स्कूल देखे हैं, हरियाणा की ही मैं बात करूँ, जहाँ पे टीचर्स भी पूरे जो है स्टाफ पूरा
बस इससे कनेक्टिविटी जो है और हर तरीके से मतलब कि अच्छे स्कूल जो है, तो ये तो वहाँ के जो विधायक हैं वो आवाज उनके उठानी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे इतने स्कूल्स हैं, इतना यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इनके लिए इतने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ के विधायकों ने आज तक कभी भी अपने जनता की आवाज विधानसभा में उठाई ही नहीं है। चलिए, सोशल फाउंडेशन, अभी आपने कहा कि बच्चियों के लिए खासकर अगर जाती हैं तो दसवीं बारहवीं के बाद में, आप एक महिला हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, सबसे पहले तो क्या आपको पढ़ाई के टाइम पे कहीं कोई सोशल फाउंडेशन आपकी तरफ भी आई कि फैमिली की साइड से कि क्यों पढ़ाया जाए, लड़की है, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं नहीं, देखिए मैं आज आपके सामने इस मुकाम पे हूँ तो मैं अपने जो है परिवार के वजह से ही हूँ। मैं शादी से पहले मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे को जो है कभी भी पढ़ाई के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित किया है कि बेटा मेहनत करो, आगे बढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो। और मैं बहुत इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि जब मैं शादी होके अपने ससुराल में आई तो ऐसा ही माहौल मेरे को अपने ससुराल में मिला। हाँ, मेरे सास ससुर भी जो है चाहे वो गांव में रहते थे लेकिन इस मामले में वो बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के थे और वो उन्होंने मेरे को भी आगे बढ़ाया, अपने और बच्चों को भी आगे बढ़ाया और हमेशा सबका जो है हौसला बढ़ाते रहे। और मैं आपको संजय जी मैं आपको ये चीज बताऊं, आज अगर मैं राजनीति में हूं तो उसके पीछे भी कारण जो है हमारे स्वर्गीय ससुर जी श्री रामरेख रोहिला जी का ही जो है पूरी तरह से जो है मैं कहूंगी कि उनका आशीर्वाद है। क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि भाई नवीन को हमने इलेक्शन लड़ाना है। मतलब तो कितने साल पहले प्लानिंग थी ये? लगभग 35 साल पहले जब मैं शादी होके आई थी। परिवार ने आपको नीति सोच लिया था कि चुनाव में ले जाना। लेकिन उस वक्त मैं कहूंगी कि मेरे को भी शायद इतनी सामाजिक जागरूकता नहीं थी और मुझे लगता था कि शायद नौकरी करना जो है हम लोग पढ़ लिख के आए हैं, नौकरी करना जो है हमारा जो है पहले है, तो हमने उस वक्त नौकरी करी। तो अब जो है उन्हीं का ही एक सपना था तो जो हम इस तरफ आए। इस बीच में हाँ, हमारी माता जी को, मेरे जो मदर इन लॉ है, उन्होंने इलेक्शन फाइट किया बीच में सरपंच जी का और वो जो है काफी अच्छे वोटों से गांव डाडुरता से जो है सरपंच, डाडुरता आपका ससुराल वाला गांव है, ससुराल है, और वो वहां से जो है सरपंच जी का इलेक्शन उन्होंने जीता और जो है बहुत उन्होंने अच्छे काम करवाए। डाडुरता होडल विधानसभा क्षेत्र का ही गांव है, मैं बताता चलूं लोगों को। हाँ, कि आप होडल की बहू है ताकि वो बता रहे लोगों को। नहीं, होडल की मैं बेटी हूँ। अच्छा। एक्चुअल में वो गांव पलवल विधानसभा में, डाडुरता पलवल में। हाँ जी, तो जो है पृथला में। चलिए, डाडुरता विधान जो गाँव है वो पृथला विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन एक कहा जाता है कि जब हुनर हो, प्रतिभा हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर ये गांव शहर की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। हाँ जी, हाँ जी। तो जो है उन्होंने फाइट किया, जीता और उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए जिसके लिए उन्होंने उनके वो जो है ब्लॉक समिति की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से अवार्ड भी मिला जो है अच्छे काम करवाने के लिए, जो कि इससे पहले के जितने भी सरपंच थे वो नहीं करवा पाए। तो मैं कहूंगी कि जब वो ये काम कर सकते हैं तो उन्होंने भी मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, आज भी दे रही हैं, आज भी अपना आशीर्वाद दे रही हैं, मार्गदर्शन दे रही हैं। हालांकि वो 87 साल की उम्र उनकी हो गई है, पर जहां कहीं पे भी मुझे जरूरत पड़ती है आगे से आगे वो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मतलब मेरे साथ चलती है। एक सहारा है बिल्कुल है जी, मेरे को मेरे परिवार का ही सहारा है ऐसा पहले तो, और अब जब मैं जो है इस राजनीतिक क्षेत्र में जब मैं सक्रिय हो चुकी हूँ तो मैं कहूंगी कि मेरा पूरा होडल ही जो क्षेत्र जो है वो मेरा परिवार है। और कहीं पे भी मैं चली जाती हूँ वहाँ के बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं सब मिलके मेरा जो है दिन रात हौसला बढ़ा रहे हैं। महिलाएं कितना साथ दे रही हैं? बिल्कुल, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चलती हैं। मैं देख रहा था बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जो है वो साथ चल रही हैं जो है, और बिल्कुल जो है हर जगह जो है मेरे को आगे से आगे वो खड़ी मिलती हैं। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा मिलूं, उनकी क्या समस्याएं हैं उनके बारे में जानूं। देखिए मैं आपको संजय जी एक चीज बताऊंगी, जो महिला है चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे वो निरक्षर है, वो अपने परिवार की धुरी होती है, बिल्कुल केंद्र बिंदु होती है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम उस केंद्र बिंदु को, उस धुरी को अगर हम मजबूत करते हैं, उसके समाज में भागीदारी बढ़ाते हैं, उसको फाइनेंशियल तौर से जो है मजबूत करते हैं, तो आप मानिए पूरा परिवार मजबूत होता है। बिल्कुल जी। और जब पूरा परिवार मजबूत होता है तो उसी से इन परिवारों से मिलकर समाज, समाज से देश और प्रदेश बनते हैं।
तो उसका जो है इफेक्ट जो है एक लॉन्गर इफेक्ट आता है, पूरा जो है देश मजबूत बनता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए मैं काम करूं। इसके लिए मैंने जो है अपने जो हमारा होडल है वहां से मैंने जूट बैग के कोर्सेज जो है अपने वहां से करवाए महिलाओं के लिए, और गांव गुधराना से जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भी कोर्सेज करवाए महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए। इसी तरीके से कई हैंडलूम के काम है जो महिलाएं करती हैं, उनको भी मैंने जो है आगे भी आप आइए सीखिए और आगे काम कीजिए। लेकिन अभी नहीं, ये मैं आपको बता दूं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो उनके माध्यम से ही मैंने करवाया, सिर्फ उन स्कीम्स को ग्राउंड पे उतारा मैंने। सबसे महत्वपूर्ण बात योजनाएं तो बहुत है, हाँ, लेकिन सिर्फ ग्राउंड पे उतारा है, पहुंच नहीं पाती। जरूरी है किरण कि ऐसे लोग हों जो माध्यम बने लोगों तक पहुंचाने का। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन भी देती है ये कोर्सेज करने के बाद, बैंक लोन भी देते हैं उसके बाद कि महिलाएं अपना स्टार्टअप कर सके, स्वयं सहायता समूह हो गए, ठीक है, जो हुआ। लेकिन क्या है, महिलाओं में ये कॉन्फिडेंस अभी जागरूक नहीं आया कि भाई हम वो अपना काम कर सकते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है हमने। तो वहां पे मेरे को जो है थोड़ा सा काम करने की मुझे जरूरत लगती है कि भाई हम उनको ये कैसे सिखाएं कि भाई आपके अंदर जो छोटे छोटे हुनर है ना, वो आपके रोजगार का साधन बन सकते हैं, आपका प्रोफेशन बन सकते हैं, आप इसको लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, बस उसमें ये कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास उसमें जगह। ये बहुत ही एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तमाम तरह की योजनाएं तो महिलाओं को बताती है, जैसे आपने बताया कि, और सबसे बड़ी बात है कि होटल एक ग्रामीण क्षेत्र है, और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की आवाज कहीं ना कहीं दबी रह जाती है। शहरों में तो आजकल हर कोई जॉब के लिए बाहर, इसके लिए बधाई के पात्र भी है, आप सही कहूंगा। अब सीधे आते हैं पॉलिटिकल सवालों पर, ये सारे सोशल हो गए, सामाजिक बातें हो गई और क्षेत्र के विकास की बातें हो गई, क्षेत्र का एजेंडा हो गया, सब कुछ आ गया। आजकल जो राजनीति है इसके अंदर सबसे पहली लड़ाई होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है टिकट की। राजनीतिक दल शायद मुझे लगता है कि आपने आज तक अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया होगा। पहले आपने जब बीजेपी में थे या इलेक्शन आम आदमी पार्टी से लड़ा, तो इस टाइम आप कंप्लीट इंडिपेंडेंट हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है, कितना बड़ी चुनौती लग रही है, या आपको लग रहा है कि क्षेत्र की जनता सब कर देगी? देखिए ऐसा है, जनता ही मेरी टिकट है, और जैसे जो हमारी जनता का आदेश होगा उसी हिसाब से जो है निर्णय लिया जाएगा। जी, मतलब इसमें कोई ऐसा लगता नहीं है जनता का इतना? नहीं, देखिए अभी आपके सामने पीछे लोकसभा के भी इलेक्शन हुए हैं, बहुत सारे ऐसा नहीं है जो बिना टिकट के थे वो भी जीते हैं, वो भी जीते हैं, हाँ, निर्दलीय बहुत सारे लोग जीत के गए हैं टिकट, हाँ बिल्कुल, हरियाणा में भी रहे हैं, हरियाणा में भी रहे हैं, ऐसे जो है कई जो पहले भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, जब जनता चाहती है तो वो कुछ भी कर गुजरती है। नवीन जी, आप होडल विधानसभा में तैयारी कर रही हैं? हाँ जी, होडल विधानसभा में घाघ राजनीति है, बिल्कुल वो चौपाल वाली, और उसके अंदर तमाम प्रकार के मुद्दे खड़े कर देना। चौधरी उदय भान वहां पर कांग्रेस से तैयारी में है, चार पांच बार विधायक रहे, चार बार जहां तक मुझे ध्यान है आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के जगदीश नायर हैं, वो भी तीन बार विधायक रह चुके और सरकार में मंत्री भी रह चुके, और वो तो आपने बता ही दिया सड़कों वड़कों वाला। इसके बाद में और भी बहुत सारे लोग होंगे, नवीन रोहिला कहाँ पाती है खुद को, और इन दोनों के लिए कैसी चुनौती बन सकती है, क्या समझती है कि इन दोनों को जब जनता के बीच जाएंगे तो कौन सी बात ऐसी होंगी जिनमें इन लोगों को बैक टू पवेलियन या बैक टू फुट? देखिए मैं आपको बताऊं, जनता के लिए, वहां की जनता के लिए ये दोनों चेहरे कोई नए नहीं है जी, ठीक है, चाहे उदय भान जी पहले विधायक रहे हैं या आज के टाइम में प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हमारे नायर साहब जो हैं आज विधायक हैं या पहले कभी मंत्री रहे हैं, लेकिन इन्होंने काम क्या किए। जब हम बात करते हैं अपने विधानसभा की होडल क्षेत्र की, तो कबीर जी का एक दोहा याद आता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोए। तो ये वो दो पाट हैं, और ये जनता बहुत अच्छे से जो है समझ चुकी है कि ये दो पाठ हमारी जिंदगियों को लीलने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जो है हम जाते हैं, जनता अपने आप ही गिनवा देती है कि इतने साल हमने जो है, देखिए दो बार उदय भांजी के पिताजी रह लिए, चार बार वो खुद रह लिए, ठीक है, तो छह योजनाएं ये लोग रह लिए, छह योजनाएं यानी 30 साल इनके परिवार को दिए, लेकिन जब हम काम देखते हैं तो हमारी विधानसभा सबसे निचले पायदान पे है। सिमिलरली इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें नायर जी की, तो तीन बार वो भी MLA रह लिए, यानी कि जो है 15 साल उनको भी देख लिया, लेकिन रिजल्ट
वही 0/0। तो जो है जनता तो खुद परेशान है इस चीज की, मैं क्या बताऊं, वो तो जनता खुद ही प्रत्यक्ष जानती है सारी चीजें, और बाकी इसका जवाब तो आने वाले टाइम में जनता बड़े बखूबी देगी। बड़ा अच्छा आपने बताया कि दो पाटन के बीच में सावत बचाना को, यानी कि दो पाटों से निकालने की अब तैयारी बिल्कुल नहीं, नवीन रोहिला की नहीं है, मैं अकेली नवीन रोहिला नहीं हूँ, नाम और चेहरा मेरा है। देखिए इलेक्शन तो वहां की जनता ने लड़ना है जी, और वहां की जनता ही नवीन रोहिला है जी, और ये जो दो पार्ट हैं इनको किस तरीके से जो है इससे निकलेंगे और इसके कितने टुकड़े करेंगे वो जनता बताएगी। इसके अलावा आप अगर कोई और संदेश कहना चाहें या होटल की जनता, देखिए मैं आपको सिर्फ जो है इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरा होटल क्षेत्र मेरा परिवार है, यहाँ के लिए काम करना मैं कहूंगी उस परमात्मा अगर और परमात्मा के आशीर्वाद से अगर आप मुझे निमित्त बनाते हैं, तो चाहे वो बिजली पानी की समस्या है, चाहे आपके सौर ऊर्जा केंद्र है, चाहे वो वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम है, चाहे वो साफ सफाइयों का काम है, चाहे वो जो है आपकी टूटी हुई सड़कों का पुनर्निर्माण है, तो ये सारे के सारे काम जो है आपको करके दिखाऊंगी। सिर्फ मेहनत मेरी साथ तुम्हारा तभी चमकेगा होडल हमारा, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एक बार मौका दीजिए, साथ दीजिए, और जो है फिर उसके बाद जो है फिर आप मुझे काम करने का मौका दीजिए, फिर आप देखिए कि आपके वादों पे कितना खरी उतरती हूँ। तो ये है नवीन रोहिला, इन्होंने मार्मिक अपील भी कर दी वोट की, बड़ा स्पष्ट एक बात कह रही थी, हमारे जब देहात की उक्ति में जाते हैं तो परमात्मा को करतार कहते हैं, ऊपर से करतार और नीचे से सरकार और उसके बीच में बन जाए कोई निमित्त। तो नवीन जी कह रही थी कि चुनाव में नहीं जनता लड़ेगी, बड़ी स्पष्ट बात है चुनाव जनता ही लड़ा करती है हमेशा। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार और करतार के बीच में अगर कोई निमित्त ठीक मिल जाता है, अगर कोई अच्छा निमित्त अच्छा प्रतिनिधि मिल जाता है, कहते हैं ना कि अगर मंदिर का पुजारी ऐसा हो कि जो सीधी तार मिलवा दे भगवान से तो उसके बाद पार हो जाता है। तो नवीन जी ने बड़ा स्पष्ट बड़ा अच्छे से कहा कि वो तो एक साधन बनना चाहती हैं, साध्य कुछ और होगा जिसको साधने के लिए काम करना चाहती हैं। तो ये थी होडल विधानसभा से नवीन रोहिला, अभी तो निर्दलीय है, हो सकता है आगे कोई दल भी हो, लेकिन स्पष्ट कह दिया कि जनता से बड़ा कोई दल होता नहीं, और वाकई लोकतंत्र के अंदर जनतंत्र से बड़ी कोई ताकत है नहीं। तो आज की इस प्रस्तुति में हमने आपसे को मिलवाया डॉक्टर नवीन रोहिला से, ये चुनाव तक ये कारवां लगातार जारी रहेगा और हम रोज आपको किसी ना किसी शख्सियत से मिलवाते हैं, आने वाले दिनों में आपको फिर किसी और नई शख्सियत से बात कराएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक दीजिए इजाजत और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।